जाबिर जी आपने अपनी आवाज सही कर ली। आप गॉड के एग्जिस्टेंस पे बात करना चाहेंगे, क्या बात करना चाहेंगे, क्योंकि आज का स्ट्रीम हमारे गॉड के एग्जिस्टेंस पे। आप एक्स मुस्लिम है ना? अरे सर हम तो जी, अरे सर हम तो गॉड को मानता ही नहीं हूँ, तो इस पे क्या बात कर। आप गॉड पे मानते ही नहीं तो उसी पे तो बात करना होगा ना फिर, कि गॉड पे मानते ही नहीं तो क्यों नहीं मानते। अरे भाई गॉड को कैसा मानते, क्यों माने इसमें, गॉड है कहाँ? अच्छा तो गॉड को डिफाइन कैसे कीजिएगा आप? अरे मैं गॉड को मानता ही नहीं हूँ भाई, जब शुरू में ही बोल दिया स्टार्टिंग में। गॉड क्यों मानू मैं खुदा को क्यों मानू? हम नहीं मानेंगे। आप क्यों मानू? ये मैं तो मानता हूँ ना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि गॉड को डिफाइन कैसे। आपका खुदा कहाँ है? मेरा खुदा कहाँ पे? एड्रेस जाना है आपको, भेज दूं जी? बिल्कुल जाना है भाई, हमें फिलिस्तीन जाना है। हमको फिलिस्तीन जाना है ना। हाँ उसके लिए बनता है, इसलिए चंदा कलेक्ट करना होगा। चंदा तो आपका खुदा चैनल खुलेगा तब आएगा यार। मेरा खुदा अर्श के ऊपर में, ठीक है ना, अर रहमान अलग अर्श इस्तवा, ठीक है। मेरा खुदा जो सबको देख रहा है ना, वो सबको देख रहा है, तो पैलेस्टाइन वाले को क्यों नहीं देख रहा है? पैलेस्टाइन वाले को भी देख रहा है। जरूरी है कि अगर क्यों नहीं बचा रहा, जरूरी है कि फिलिस्तीन वाले अगर अल्लाह पे माने, क्या अल्लाह कुरान में ऐसा बोलते हैं कि अब मुझ पे जो मारेगा वो कभी मरेगा नहीं, उस पे कभी भी जुल्म और ज्यादती नहीं होगा? ऐसा कहीं नहीं लिखा, ऐसा कहीं कुरान बोलता ही नहीं। बल्कि अल्लाह तो बोलते हैं फइन्ना मअल उसरी युसरा, तकलीफ के साथ आसानी है। अल्लाह ताला एक कंडीशन जन्नत में जाने के लिए बताते हैं, वतवासो बिल हक की वतवासो बिस्सब्र। चलिए 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 कम टू द टॉपिक, टॉपिक पे आते हैं हम लोग। टॉपिक पे ही बात कर रहे हैं चाचा हम लोग। चलिए जाबिर टॉपिक पे हम लोग कर रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, सुनो 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 मेरे भाई, सुनो सुनो, सवाल सुन लो, सवाल सुन लो, क्यों इतना परेशान हो रहे हो? सवाल तो सुन लो पहले। सवाल तो मेरा था ना कि डेफिनेशन ऑफ गॉड क्या है। क्या समझ कर आए के सरदार बहुत खुश होगा, शाबाशी देगा क्यों? वो तो बता दियो तुम। मैंने तो बताया ना, नहीं आपका डेफिनेशन क्या, आपका डेफिनेशन क्या ये मुझे। अरे अरे चलिए चलिए, हम पूछ रहे हैं, आप गॉड का डिफिनेशन बता दिए ना, कि आपका गॉड अर्श पर है और वो सबको देख रहा है, यही है ना? बराबर नहीं है? मेरा डेफिनेशन दूसरा है, थोड़ा इससे भी हटके और भी है मेरे डेफिनेशन में। मेरा डेफिनेशन में सूर्य तो वो खुदा पैलेस्टाइन में क्या क्यों नहीं गया आपका खुदा? बताया तो जाता नहीं कहीं पे खुदा, खुदा जो है अल्लाह सुभान व तआला जो है, अगर यहां पे उसके मैसेंजर है, उसके मैसेंजर आते हैं उसकी वही को लोगों तक पहुंचाने के लिए। आप एक मुस्लिम तो है मेरे भाई, आप एक ही मुस्लिम है ना? नमाज पढ़ते थे? अरे भाई पहले मेरे सवाल को तो सुन लो, पूरा सवाल होने दो, फिर नमाज और रोजा में चलना। सवाल तो सुन लिया मुर्शिद, अब और क्या सुनाओगे? सुनिए, जब इस्लाम फैलाने के लिए मोहम्मद साहब आया दुनिया में, तो उस समय सेक्स स्लेवरी आम था कि नहीं था? बराबर सेक्स स्लेवरी को डिफाइन कैसे करते हैं आप? सेक्स स्लेवरी को डिफाइन आप कीजिए, बताइए आप कैसे करते हैं आप। लो बात तुम कर रहे हो डिफाइनेशन। अरे भाई आप आप एडम भाई का लाइव देखो वहाँ पे आपको खुद भाई आपको पता चल जाएगा कि सेक्स स्लेवरी है क्या। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको? डेफिनेशन एडम भाई का लाइव देखा ना, 8-8 घंटा देखा। सेक्स स्लेवरी का डेफिनेशन बताओ, चलो एडम भाई के लाइव से ही बताओ कि सेक्स स्लेवरी डिफाइन कैसे करते हैं। इस्लाम में सेक्स स्लेवरी है या नहीं है, हमको एक लाइन में जवाब दीजिए, यस या नो? सेक्स स्लेवरी इसीलिए तो बोल रहा, सेक्स स्लेवरी को डिफाइन करो फिर मैं बता दूंगा इस्लाम में है कि नहीं। गुलाम है कि नहीं है, हम सो पूछ रहे हैं। गुलाम इस्लाम है में गुलाम प्रथा है या नहीं है? सुनिए स्लेवरी था, अभी सेक्स स्लेवरी से पीछे नहीं जाना, सेक्स स्लेवरी का डेफिनेशन बताना। अरे वही, अच्छा चलो चलो, सेक्स स्लेवरी इस्लाम में है या नहीं है?
सेक्स स्लेवरी डिफाइन करो, मैं बताऊंगा इस्लाम में है कि नहीं। सेक्स स्लेवरी होता क्या, किसको बोलते हैं सेक्स स्लेवरी? हाँ, गुलाम से शादी करना। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? यही डेफिनेशन सेक्स स्लेवरी का। लोग मैडम भाई बताएं हमको को। अरे भाई आप इसीलिए भाई, एडम भाई सुनो, यहाँ पर सेक्स स्लेवरी का डेफिनेशन देखो। सेक्स स्लेवरी का डेफिनेशन होता है कि किसी को जबरन सेक्स का धंधा करा जाए। ये ऑक्सफर्ड, ये मेरियम वेबस्टर्स का डेफिनेशन। ये सेक्स स्लेवरी ब्रिटानिका डिफाइन करता है अ कंडीशन इन विच वन ह्यूमन बीइंग इज ओन बाय अनदर एंड इज फोर्स्ड और अदरवाइज कोर्स इनटू वर्किंग फॉर सेक्स। स्लेवरी को इस्लाम क्या कहता है मेरे भाई? रुक जाना, थोड़ा सा बता रहा हूँ ना। रहा नहीं जा रहा, तड़प ही ऐसी है ना। मैं बोल रहा था कि सेक्स स्लेवरी को में धंधा कराया जाता है औरतों को पकड़ के, ह्यूमन ट्रैफिकिंग होता है, उसके बाद धंधा कराया जाता है। इंडिया में कितने सेक्स स्लेव है, वेस्टर्न कंट्रीज में कितने सेक्स है। डोनाल्ड ट्रम्प का भी मैं पढ़ रहा था दो तीन दिन पहले। डोनाल्ड ट्रम्प एक सेक्स स्लेवरी एक को सेक्स स्लेव बनाया हुआ था, एक लड़की। अब वो सही है कि गलत है वो अभी इन्वेस्टिगेशन होगा। एक सेक्स स्लेव लड़की थी जिसको सेक्स के लिए डोनाल्ड ट्रम्प यूज कर रहा था, ठीक है। तो किसी को धंधा कराना, ये होता सेक्स स्लेवरी। इस्लाम सूरत नूर सूरत नंबर 24 आयत नंबर 33 में साफ बोलता है कि आप गुलाम को, अगर गुलाम भी कोई औरत है तो उसको आप जबरन ये प्रोस्टिट्यूशन नहीं करा सकते। सेक्स स्लेवरी बैंड, खलास, खत्म है ही नहीं इस्लाम में। इस्लाम में साफ साफ ये बोला स्लेवरी को बैंड कर दिया गया, सूरह नूर सूरह नंबर 24 आयत नंबर 33 में। एक आयत मुझे बताओ, तुम तो एक्स मुस्लिम हो ना, एक आयत मुझे बताओ, तुम नहीं, तुम्हारे जरिए सारे एक्स मुस्लिम को ये चैलेंज है, कुरान का एक आयत दिखाए जहां पर सेक्स स्लेवरी लिखा हुआ है। सेक्स स्लेवरी कहीं नहीं है। तेरा क्या होगा कालिया? तो अच्छा, तुम तो एक्स मुस्लिम हो, नमाज पढ़ते थे कि नहीं पढ़ते थे? हाँ, पढ़ते थे भाई। एक सवाल सुन लो भाई, मलेरिया टेस्ट लेने बोला। शादाब जी एक सवाल सुन लीजिए। आपने बता दिया कि सेक्स स्लेवरी नहीं है, तो जब पैगंबर के टाइम पे जब लोग युद्ध के लिए जाते थे और जो वहां पे महिलाएं रहती थी, उसमें क्या कहा गया कुरान में कि मर्दों को मार दो और औरतें को अपना बंदर बनाकर ले आओ और उसके साथ सेक्स करो? यही तो कहा गया है, लिखा हुआ कि मर्दों को मार दो और ले आओ। आप सेक्स स्लेवरी पर एडम भाई से डिबेट करेंगे? है ही नहीं, करूंगा क्यों नहीं करूंगा, लेके आओ अपने एडम भाई को और उसके अब्बा को भी लेके, ठीक है। आप मुझे ये बताइए, एक्स मुस्लिम है आप तो एडम के चैनल से ही इस्लाम छोड़े होंगे ना, आपने तो एडम के चैनल के इस्लाम छोड़ा होगा, एडम का चैनल देख के, है ना भाई? हम एडम भाई को भी देखते हैं, हम जफर भाई को भी देखते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये लोग इतना एक मुस्लिम से आप लोग इतना नफरत क्यों करते हैं? एक मुस्लिम तो हक की हक जो है वो दिखाया जा रहा है। एक मुस्लिम बात कर रहे हैं, चाय पीना है। लो देखो, चाय भी पी रहे, पीना है नहीं पीना? कंट्रोल। मैं ये बोल रहा हूँ कि बैठा कोई नफरत नहीं कर रहे, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, आप अच्छे मुसलमान थे ना पहले? हाँ जी, अच्छे मुसलमान थे, नमाज तो पढ़ते ही होंगे दिन में? बिल्कुल, ऑफ कोर्स। तो तस्बीह भी पढ़ते होंगे? बेशक बेशक मेरे भाई, बेशक। तो कितना रिकात तस्बीह पढ़ते थे? पांच रिकात या सात रिकात? मतलब तस्बीह जो पढ़ते थे पांच रिकात पढ़ते थे या सात रिकात पढ़ते थे? अरे भाई दिन भर में मुसलमान जब नमाज होती है, जब अभी बोला तस्बीह पढ़ते नमाज होती है जी, हाँ ठीक है, तो दिन में तो जब पांच बार नमाज होती है तो पांच बार तस्बीह होती है, तो पांच बार तस्बीह होती है, तो कितना रिकात? मतलब पांच बार होती है तो कितना रिकात? जो तस्बीह पढ़ रहे थे मान के चल, तो जोहर के बाद जो तस्बीह पढ़ रहे, कितना रिकात पढ़ते थे? पांच रिकात या सात रिकात? सोच लो। अच्छा अरे भाई, सात वाला आंसर नहीं देना आगे ना। अरे ये 10 करोड़ का सवाल था, इसके आगे कैसे बढ़े? 10 करोड़ का चेक, हाँ चेक शहबाज भाई, चेक। पैसा ही पैसा होगा। तो सात रिकात या पांच रिकात, एक चुन लीजिए, उसके बाद आपको हम लोग विदा करेंगे।
कितना रिकॉर्ड, कितना जल्दी जल्दी, 5 या 7? एडम भाई ने नहीं बताया ना, ये सब वहां थोड़ी ना बताया जाता है भाई। सात पढ़े ना बोला, अभी अभी बोला सात पढ़े ना, सात पढ़ा, चलो ठीक है, सेवन सात रिकॉर्ड ना, सेवन सात रिकॉर्ड ना, हाँ सेवन, चलो ठीक है ठीक है। ये एडम भाई के चैनल पे इस्लाम छोड़ा है, ये एक्स मुस्लिम फरहान है जो जो जफर के स्ट्रीम पे लाइव इस्लाम छोड़ा है, ठीक है ना। ये शमा का भाई है, शमा जफर की अम्मा का भाई है, 7 रिकात तस्बीह पढ़ रहा था। चलिए आप लोग कितना रिकात तस्बीह पढ़ते हैं, आप लोग भी कमेंट कर ही दीजिए एक एक करके कि कितना रिकात। सेक्स स्लेवरी, सेक्स स्लेवरी बोलते किसको पता ही नहीं, सेक्स स्लेवरी इस्लाम में, सेक्स स्लेवरी है कुरान में, चैलेंज है एडम, एडम के पूरे खानदान एक्स मुस्लिम की पूरी जमात को कयामत तक कुरान से सेक्स स्लेवरी लिखा हुआ नहीं दिखा सकते। कयामत की सुबह आ जाएगी लेकिन उनका ये दलील नहीं आएगा, ठीक है। तो समा का भाई बेचारा, क्या नाम था इसका, हाँ एक्स मुस्लिम जाबिर, तस्बीह पढ़ने चले गए हैं 7 रिकात। आप लोग भी दुआ करें कि वो पूरा तस्बीह पढ़ सके। हमारे चैनल IRPC इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल बटन पर क्लिक करें ताकि हमारा सारा वीडियो आप तक ज़रूर पहुंचे।